सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल के छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के पत्या बीच के ऊपर, और यहां पर बैठ के इंजॉय कर रहा था एक ब्यूटीफुल सी शाम। और आप लोगों को पता है कि यार पत्या की शाम की तो यार आप लोग कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाम होती है यहां पर, बिकॉज यहां से जो सनसेट दिखता है और जो कलर जो चेंज होते हैं, कहते हैं कि कलर्स ऑफ नेचर, तो वो कलर्स देखने के लिए मैं अक्सर यहां पर आया करता हूं शाम को। और यहां पर बैठे बैठे मेरे कुछ भाइयों के यहां पर कुछ कॉल्स आए, कुछ मैसेजेस आए, उनके कुछ क्वेश्चन से सोचा चलिए उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए और उन सवालों के भी जवाब आप लोगों को आज दिए जाए। तो यार एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, अगर आप लोग बात करेंगे पत्या में जो सब कुछ पहले जैसा था उस तरह से कब होगा, हम लोग कब पहले की तरह पत्या को देख पाएंगे। तो भाई टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप लोग पहले से कंपेयर करेंगे लाइक 2020 के पहले से, तो शायद वो चीज़ें वापस नॉर्मल होते होते यहाँ पर काफ़ी टाइम भी लग जाए, क्योंकि डे बाय डे कंडीशन यहाँ पर बेटर हो रही है, चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो रही हैं। कुछ एक यहाँ पर आप लोग इंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर ओपन होती चली जा रही हैं। लेकिन स्टिल अगर आप लोग बात करें, क्योंकि यार देखो अगर आप लोग बात करें वॉकिंग स्ट्रीट की, तो वॉकिंग स्ट्रीट पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ओपन है, लेकिन नंबर ऑफ टूरिस्ट की अगर आप लोग बात करें तो उतना टूरिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको पहले दिखा करता था। एक अच्छी खासी भीड़ भाड़ में आप लोग वॉक किया करते थे, हर तरह के लोग वहाँ पर होते थे, दुनिया के लगभग हर कंट्री के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग बात करें वर्ल्ड वाइड दुनिया की बात करें, तो हर देश की जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर सेम नहीं है। कोई लोग यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं जो एक पैंडमिक चल रहा है कोविड अभी भी, उससे वो लोग उबरने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो देश उबर चुके हैं उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं समय यार क्या कंडीशन चल रही है हर जगह की। तो उस चीज़ का जो असर पड़ा है वो टूरिज्म पे पड़ा है, और कहीं ना कहीं यार क्योंकि हर एक चीज़ किसी ना किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर यहाँ पर ओपन की जाती है। मान लीजिए आप अगर इंडियन क्लब की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि इंडियन क्लब जो यहाँ पर ओपन किए गए वो अपने इंडियन लोगों को ध्यान में रखकर ही किए गए थे। और एक अच्छी बात ये है इन बिटवीन की यार अपने जितने भी यहाँ पर इंडियन क्लब हैं इस समय पत्या के अंदर, सबकी जो ओपनिंग की जो डेट है ऑलमोस्ट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। और बहुत ही जल्दी मैं आपको वो अपडेट भी देने वाला हूँ कि कौन सा क्लब कब यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, और कब आप लोग यहाँ पर आकर अपने अपने जो फेवरेट क्लब है वहाँ पर एक अच्छी शाम स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी बहुत सारी और कंट्रीज हैं जिनको टारगेट पे रखकर यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ओपन किए गए, क्लब्स ओपन करे गए, बार ओपन करे गए। तो यार जो एक अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती थी, जो हर तरह का क्लब वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर ओपन हुआ करता था, शायद उसको होने में भी यहाँ पर कुछ टाइम और लग जाए। और इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो है यार कि पत्या की जो नाइट लाइफ है वो कब पहले की तरह ओपन होगी, कब हम लोग पूरी पूरी रात यहाँ पर एंजॉय कर सकेंगे जिस तरह से हम लोग पहले किया करते थे। तो भाई एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसे बताया मैंने आपको कि 1 तारीख से यहाँ पर मोस्ट ऑफ सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रही हैं, और 1 तारीख से यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, जो नाइट लाइफ का थोड़ा सा जो टाइम है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। लाइक अभी जितने भी यहाँ पर बार्स ओपन हुए वो एज अ रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हुए, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो जो फिलहाल जो लीकर सर्व करने का जो टाइम है वो यहाँ पर मिडनाइट तक का किया जा रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 12 से 1 बजे तक वो लोग आपको लीकर सर्व कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है यार, जो टाइम यहाँ पर भी फिलहाल चल रहा था रात के 11 बजे तक, और वो जो टाइम है वो यहाँ पर 1 मई से बढ़ाया जा रहा है। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब यहाँ पर परमिशन मिल जाएगा कि आप लोग जिस तरह पहले इंजॉय किया करते थे वॉकिंग स्ट्रीट पर या पत्या की दूसरी जगह पर जाकर, वैसे ही आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकें। और इसके साथ साथ एक बार फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो अपने फेवरेट मसाज पार्लर्स हैं, क्योंकि यार अभी भी काफ़ी सारे भाई यही क्वेश्चन मेरे को रिपीट कर रहे हैं कि यार जो उनके फेवरेट मसाज पार्लर्स हैं यहाँ पर, बॉडी मसाज पार्लर्स हनी 1, हनी 2, हनी 3 है यहाँ पर, पीपी मसाज है, रसपुतीन है यहाँ पर, सबाईदी है, बहुत सारे बड़े बड़े मसाज पार्लर्स हैं जो अपने भाइयों के फेवरेट मसाज पार्लर्स हैं, कि वो पार्लर्स यहाँ पर कब ओपन होंगे। तो यार उनकी जो डिटेल है तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल जितने भी पार्लर्स हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोग अगर बात करें तो रिनोवेशन का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्लब्स हैं अगर आप लोग क्लब की बात करें तो क्लब के साथ साथ जो ये मसाज पार्लर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वेट कर रहे थे कि किस टाइम पर जो ये रिस्ट्रिक्शन हैं यहाँ पर ख़त्म होंगी और यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो फ्रीली आ सकेगा। तो 1 मई से जो रिस्ट्रिक्शन हैं यहाँ पर हटा ली गई है, तो हो सकता है कि आने वाले मई के महीने में आपको बहुत सारे सरप्राइजेज मिले, आपके बहुत सारे जो
फेवरेट वेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएं और आप लोग यहाँ पर जाकर भी जिस तरह से पहले एक ना एक बार मसाज जरूर कराया करते थे, एक बार फिर से जरूर वहाँ पर जाकर आप लोग मसाज कर सकें। और इसके साथ साथ मेरे एक भाई ने मुझे यार एक बहुत आप लोग कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब शायद आप लोग भी जानते ही होंगे, लेकिन उस भाई के लिए शायद मेरे को ये सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मेरे उस भाई का कहना ऐसा था कि बाबा पत्या के अंदर आप लोग बोल रहे हैं या थाईलैंड की अगर आप लोग बात करें कि इंडियन टूरिज़्म इस समय सबसे ज़्यादा पीक पे है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो इंडियन टूरिस्ट आ रहा है, तो इंडियन टूरिस्ट के आने से क्या मार्केट पर फ़र्क पड़ा है? तो हाँ मेरे भाई, यहाँ पर मार्केट के ऊपर इंडियन टूरिस्ट के आने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप लोग यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो शॉपिंग करते हुए दिखेंगे वो अपने इंडियन लोग ही दिखेंगे। अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो मसाज पार्लर्स जो अभी खुले हुए हैं या जो क्लब्स यहाँ पर खुले हुए हैं वहाँ पर जाकर आप लोग नंबर ऑफ पीपल काउंट करेंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होगा वो होगा अपने इंडियन भाइयों का। इसके अलावा अगर आप लोग जो जो यहाँ पर छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, जैसे मान लीजिए एक बात बस है टुक टुक, अगर आप लोग टुक टुक के अंदर भी देखेंगे तो टुक टुक के अंदर भी जो आपको बैठे हुए लोग मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा अपने इंडियन लोग ही मिलेंगे। तो मेरे भाई ये बात 100% सच है कि यार इंडियन टूरिस्ट के आने की वजह से यहाँ पर जो यहाँ का जो टूरिज्म है उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। शायद इसीलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है पिछले कुछ दिनों में, और आने वाले दिनों में शायद कुछ और फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि यार मेरे काफ़ी सारे भाई अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि वीज़ा कब फ्री होगा। तो भाई ऑन अराइवल वीज़ा फ्री होने में शायद अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ऑन अराइवल वीज़ा है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। और थाईलैंड एंट्री पास के बारे में मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। शायद सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी जो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी थाईलैंड एंट्री पास में, एक आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट और दूसरा एक 10,000 USD का इंश्योरेंस। तो शायद ये दो चीज़ें ही होंगी जो आपको थाईलैंड एंट्री पास के लिए शायद अपलोड करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि थाईलैंड एंट्री पास के लिए आपको पहले जितना इंतजार भी ना करना पड़े, शायद जल्दी आप लोगों को थाईलैंड पास भी मिल जाए, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए अब उनके पास में बहुत छोटी सी लाइक चीज़ें हैं, क्योंकि पहले जो वेरीफिकेशन था उसमें यहाँ पर टाइम लग रहा था, क्योंकि वो लोग होटल के साथ क्रॉस चेक करते थे कि आपने जो SHA++ होटल है बुक कराया है या नहीं, आपका RT-PCR का पेमेंट किया है या नहीं, आपका जो कार है वो बुक है कि नहीं। तो शायद अब जो वेरीफिकेशन है उसका टाइम कम लगने की वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में जब भी ये थाईलैंड एंट्री पास स्टार्ट करेंगे लाइक मई से जो एक आप लोग कह सकते हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के, तो वो जो थाईलैंड पास होगा तो शायद वो थाईलैंड पास भी आपको बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन फिलहाल ऑन अराइवल वीज़ा बिल्कुल भी फ्री नहीं है, यहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा के लिए 2000 बात देने पड़ते हैं, और अगर आप लोग एक्सप्रेस वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2200 बात यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। बस यही थे कुछ मेरे भाइयों के सवाल आज जो मेरे पास सुबह से आ रहे थे, सोचा इन सवालों का जवाब भी आप लोगों को दे दिया जाए। तो हो सकता है कि यार जो भी जानकारी मैंने आपके साथ आज शेयर करी कहीं ना कहीं आपके काम भी ज़रूर आ जाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। आई होप ये सब रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद मेरे भाइयों से मेरी मुलाकात ज़रूर होगी, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम, मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।